हालेलुया लॉर्ड जीसस, स्तुति हो प्रभु, महिमा 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 हो खुदा। तारीफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, हद तहे दिल से करते हैं, संपूर्ण मन से करते हैं, हृदय की गहराइयों से करते हैं, सारे प्राण आत्मा देह के साथ करते हैं, क्योंकि आप पे एक और पवित्र दिन, हाँ विश्राम दिन, महिमामय दिन ने अद्भुत अनोखा दिन हमें दिखाए हैं, हमारे जीवन में जोड़े हैं प्रभु जी। आज का किरण, प्रकाश, हाँ रोशनी, हाँ सूरज हमारे जीवन में उदय किए हैं। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। आपके हजूरी में आए हैं, आपके चरणों के निकट है प्रभु जी। सहायता कीजिए, आज विशेष अनुग्रह दीजिए, महिमा दीजिए, हमारे जीवन में काम कीजिए प्रभु जी। आत्मिक वरदानों से हमें तृप्त कीजिए, अपनी रूह मासा तेल से अभिषेक कीजिए, आत्मा सामर्थ्य से भरिए, शुद्ध विवेक दीजिए, नई मन हमारे अंदर उत्पन्न कीजिए, हाँ उत्पन्न कीजिए। स्तुति हो प्रभु, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, सारे नेगेटिव बातों से, नकारात्मक ऊर्जा से प्रभु छुटकारा दे, पॉजिटिव बातें सकारात्मक ऊर्जा भर दे। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके आपके आगे अपने हाथों को फैलाए हैं, नर्म दीन होकर के मांगते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, दया को, कृपा प्रभु तक, करुणा को। हाँ प्रभु जी, आपके सामर्थ को मांगते हैं, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, शांति को, सुख चैन को मांगते हैं, प्यार आशीर्वाद दुलार को मांगते हैं, अगुवाई को मांगते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, तारीफ हो, बड़ाई हो, आदर हो प्रभु से, स्तुति हो प्रभु। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। धन्यवाद यीशु, पूरे रात आप संभाले, अच्छी मीठी नींद दिए, सुख शांति चैन की नींद, सुकून भरी नींद दिए, एक और नए दिन में लेकर आए हैं, प्रवेश करवाए हैं स्वर्ग के पिता, एक और नए दिन को दिखाए हैं, सुख का सवेरा, हाँ सुख का सवेरा हमारे जीवन में जोड़े हैं, आनंद भरा दिन प्रभु हमारे जीवन में आप पे दिए हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आज के पूरे दिन हमारे निकट रहना, करीब नज़दीक रहना, पास समीप रहना और हमारी सहायता करना, हमें सुरक्षा देना, बचाओ, बचाओ देना स्वर्गीय पिता। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। एक एक बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, हाँ एक एक मसीह भाई बहन जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उस सब के सब, उन सबों के परिवार के एक एक सदस्य आपके पन्नाह में रहे, आपके छत्र छाया में रहे, सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रह कर प्रभु। जिनका मन प्रार्थना में नहीं लगता है, आपके वचन को सुनने में, पढ़ने में, उस पर मनन करने में नहीं लगता है प्रभु जी, उनको प्रार्थना करने की, वचनों को पढ़ने की, सुनने की, उस पर मनन करने की अनुग्रह दीजिए, वचन के अनुसार जीवन जीने की, जीवन बिताने की सामर्थ्य दीजिए, बल बुद्धि ज्ञान समझ सम्मति दीजिए, अपनी रूह मासा से तेल से अभिषेक कीजिए। अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाए, शैतान से ग्रसित है स्वतंत्र हो जाए, कर्ज में है कर्ज से छुटकारा पा जाए, किस मुकदमा में है छुटकारा पा जाए,
सहायता कीजिए, 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 मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु राजा, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रियो आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। जो वचन हम देखने वाले हैं वो वचन है रोमियो 6 अध्याय के उसका 23 पद, और दूसरा वचन है एहेजकेल 18 अध्याय के उसका 32 पद। मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 अध्याय के उसका 6 अध्याय के उसका 23 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो कोई पाप करता है, गुनाह करता है, अपराध करता है, गलतियां करता है, दुष्टता के काम करता है, अधर्म के काम करता है, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसा है, उसका प्रतिफल क्या है, उसका मजदूरी क्या है? मृत्यु है। हाँ, क्या है? मृत्यु, यानी कि मौत। आइए दूसरे वचन को देखेंगे। दूसरा वचन यानी कि एहेजकेल 18 अध्याय के 32 में परमेश्वर कहते हैं कि सुनो, जो मरते हैं उनके मरने से, उनके मौत से, मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं होता। क्या बोलते हैं? मैं प्रसन्न, खुश नहीं होता। इसीलिए कहता हूँ कि सुनो, पाप करना छोड़ दो, गुनाह करना, गलतियाँ करना, अपराध करना, दुष्टता के काम करना, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसना छोड़ दो। अगर कभी हो भी जाता है, यानी कि पाप, गुनाह, गलतियाँ, अपराध, दुष्टता के काम हो जाता है, तो उसके लिए पश्चाताप करो। क्या कहते हैं? उसके लिए पश्चाताप करो ताकि तुम में जीवन को पाओ। हालेलुया, मरो नहीं, जीवित रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु क्या बोलते हैं? जीवन को पाओ, जीवित रहो। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में नहीं थे तो जैसे चाहें अपने जीवन को जिए बिताए, लेकिन अब हम प्रभु में हैं तो फिर से पिछले जीवन जैसा अपने जीवन को नहीं जीना है, अपने जीवन को नहीं बनाना है। प्रभु में नई सृष्टि है, फिर से संसार के सदृश नहीं बनना है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमें दिया कि हम उस पर विश्वास करके नाश होने से बच सके। जो कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो नाश होने से बचेगा, लेकिन फिर से अगर वो गुनाह करता है, पाप करता है, प्रभु को जान करके, पहचान करके, उसके आशीष को पा करके, उसके काम को, उपकार को, चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को देख करके, उसके प्यार को चख करके, फिर से अपनी गलती दोहराता है, फिर से गुनाह करता है, अपराध, दुष्टता के काम करता है, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसता है, उसको कोई नहीं बचाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। भूल से हो जाता है या जान से भी कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है? पश्चाताप करना है, प्रभु के हजूरी में रोना है, गिड़गिड़ाना है, बिलखना है, प्रार्थना में प्रभु से क्षमा मांगना है, माफ़ी मांगना है,
प्रभु क्षमा करेगा। क्षमा करने में वो विश्वास योग्य खुदा है, क्षमा करेगा। हाँ क्षमा करेगा, माफ़ी देगा। क्षमा मांगिए ताकि आप पे जीवन को पा सके, जीवित रहे। हालेलुया। और बहुतायत के जीवन में प्रवेश कर सके, हमेशा के जीवन में, आनंद के जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। महिमा हो प्रभु परमेश्वर, सहायता कीजिए प्रभु जी। जाने अनजाने में हुए गलतियों को, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को, शरीर और संसार के अभिलाषा, अधर्म के काम, दुष्टता के कामों को माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। उसके लिए प्रभु हमें माफ़ी दीजिए, हमें क्षमा कीजिए प्रभु जी, ताकि हम जीवन पाए। सहायता कर, मदद कर, और वो अनुग्रह महिमा दे प्रभु जी, आत्मा सामर्थ्य दे कि फिर से प्रभु जी हमारा ध्यान, हमारा सोच, हमारा दृष्टि, दिल, दिमाग, हृदय, हमारे बॉडी का कोई अंग पाप की ओर जाने ना पाए, बुराई की ओर जाने ना पाए, अधर्म के काम की ओर, दुष्टता के काम की ओर जाने ना पाए, शरीर और संसार की अभिलाषा में फंसने ना पाए। सहायता कर, मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए प्रभु, तक करुणा कर दीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, जिनसे कोई काम नहीं बनता है बनने पाए, जिनका कोई काम कार्य बंद पड़ा है स्टार्ट होने पाए, चालू होने पाए, सैलरी रुका है आने पाए, वीज़ा रुका है आने पाए, जो कुछ के लिए अप्लाई किए हैं आने पाए स्वर्गीय पिता, इंटरव्यू दिए गुड न्यूज़ दी से, जॉब के तलाश में अच्छी जॉब दी से, चंगाई चाहते हैं चंगाई दीजिए, छुटकारा चाहते हैं छुटकारा दीजिए प्रभु, सारे कर्जों से, शैतान से, दुष्ट करुण मनुष्य से, दुष्ट हाँ प्रभु जी, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा दीजिए, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन से प्रभु जी, निराशा, उदासी से प्रभु जी, तनाव से, आर्थिक तंगी, गरीबी, घटी से प्रभु जी छुटकारा दीजिए प्रभु। हाँ छुटकारा दीजिए प्रभु जी, स्वतंत्र कीजिए, मुक्ति कीजिए, आज़ाद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, जितने बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबों को बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए, नौजवान इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सही मार्गों पर चलाइए, फ्यूचर को उज्ज्वल कीजिए, सही दिशा में ले जाइए प्रभु, सलाहकार प्रभु, गाइड कीजिए प्रभु जी, मार्गदर्शन कीजिए, अगुवाई कीजिए, जीवन के हर एक मोड़ पर क्षेत्र में संभालिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, बरकत से भरिए प्रभु, अपने बुद्धि और ज्ञान के प्रकाश में चलाइए प्रभु जी। एक एक बड़े बुजुर्गों के लिए, हम हंसी भाई बहनों के लिए आपसे दुआ करते हैं, सबों को सेफ, सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए, स्वर्गीय पिता रोग बीमारी से छुटकारा दीजिए, सारे दिक्कत परेशानी से प्रभु जी छुटकारा दीजिए, लॉर्ड जीसस धन्यवाद करते हैं। सबों को जीवन दीजिए प्रभु जी, हड्डी नस मांस का देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए प्रभु जी, हर एक रोग बीमारी से प्रभु, शैतान से, दिक्कत परेशानी, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन से छुटकारा दीजिए, आर्थिक तंगी से प्रभु, समस्या उलझन से छुटकारा दीजिए, सबके सब प्रभु सेफ और सुरक्षित रहे, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। धन्यवाद यीशु, एक एक जन जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं सबके सब आपके पनाह में रहे, बेटा बेटी आपके छत्र छाया में पले और बढ़े, सहायता कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, आज सबों के जीवन में बेस्ट काम करना, सोचने से ज़्यादा करना प्रभु जी, मांगने से ज़्यादा, हाँ मांगने से ज़्यादा देना। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आदर और सम्मान करते हैं, सहायता मदद गाइड कीजिए। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन हमें दिए हैं, दृष्टि करके उत्तर जवाब हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद यीशु, सबों के ऊपर आपका अनुग्रह की दृष्टि,
बनी रहे दया कृपा प्रभु तक करुणा की दृष्टि बनी रहे, ताकि सबों के जीवन से आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा तारीफ बड़ाई आदर और सम्मान होती रहे। स्वर्गीय पिता जो दान दास मांस दिए हैं स्वर्ग के झरोखे खोल दीजिए, हाँ उन सबों के लिए अपना उत्तम भंडार खोल दीजिए, जो कुछ की जरूरत आवश्यकता कमी घटी है अद्भुत रीति से पूरा कीजिए। सबों की जरूरत आवश्यकता की चीज़ें बहुत आज से सबों को दीजिए। आज के पूरे दिन प्रभु निकट रहिए, करीब रहिए, करीब रहिए, पास समीप नजदीक रहिए। धन्यवाद खुदा आप सुने, उत्तर दिए प्रभु धन्यवाद करते प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति है मेरे प्रिय। रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा। आज शाम 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए, प्रभु के काम को देखिएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, प्रार्थना भी है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना करते हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु आपको ब्लेस करे, गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुरी नाम में जय मसीह।